हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और फिर से आपका स्वागत है एक न्यू जॉब अपडेट में। दोस्तों, ये जॉब अपडेट आ रहा है आपका राष्ट्र केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से। जी दोस्तों, इसमें बहुत सारे यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के पदों पर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें दोस्तों आपको डिप्लोमा पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा वालों के लिए काफी अच्छा खासा वैकेंसी निकल के आया हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप ITI पास हो फिर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, यदि आप 10th या 12th पास हो फिर भी दोस्तों आप लोग के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यदि 10th पास हो, यदि अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो, आपके लिए अच्छा मौका है। वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। देखिए, सबसे सबसे पहले आप लोग जान लेते हैं डिप्लोमा वालों के लिए कौन कौन से यहाँ पे बात करें तो ब्रांच के लिए यहाँ पे आया हुआ है अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग। देखिए, टेक्निकल अप्रेंटिसशिप बात करें तो देखिए केमिकल वालों के लिए सबसे पहले है, देखिए आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग है तो आराम से अप्लाई कर सकते हो। देखिए, अपर एज लिमिट 25 साल रखा गया, मिनिमम परसेंटेज आपका 50% होना चाहिए, आपका 12 मंथ का ट्रेनिंग होगा, और 30 यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 30 पोस्ट रखा गया। उसके बाद सिविल के लिए है, जिसमें आप लोग सिविल चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका अपर एज लिमिट 25 साल, टोटल मिनिमम परसेंटेज 50 चाहिए, 12 मंथ का आपका ट्रेनिंग होगा, 6 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर वालों के लिए वैकेंसी रखा गया, जिसमें आपको लोग डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए, 25 साल इसका एज लिमिट, 50% आपका मार्क्स चाहिए, 12 मंथ आपका ट्रेनिंग, 6 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद है नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें आपको मैंने बता दिया सब लगभग सभी के लिए 50% ही चाहिए। देखिए, इसमें 20 सीट रखा गया, यानी अच्छा खासा मौका दिया गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बात करें तो यहाँ पे 20 सीट रखा गया है। लास्ट में आपका मैकेनिकल वालों के लिए, मैकेनिकल के लिए बात करें तो यहाँ पे 12 मंथ का ट्रेनिंग होगा, 28 सीट रखा गया, टोटल 110 पोस्ट है सिर्फ डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए। चलिए अब बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिस के बारे में। देखिए, यहाँ पे आपका अटेंडेंट ऑपरेटर जो केमिकल प्लांट में, जिसमें आप लोग का BSc पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में, अपर एज लिमिट 25 साल रखा गया, 50% चाहिए आपका मार्क्स, ठीक है, BSc में, और 12 मंथ का ट्रेनिंग होगा, 85 पोस्ट रखा गया, तो जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे बॉयलर अटेंडेंट के लिए वैकेंसी निकल के आया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका 10th पास चाहिए, ठीक है, 10th पास यदि हो तो अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए, एज लिमिट 25 साल रखा गया, 50% आप मार्क्स ला रहे हो 10th में, तो आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। 24 महीना यानी 2 साल यहाँ पे आप लोग ट्रेनिंग करवाया जाएगा या अप्रेंटिसशिप करवाया जाएगा, टोटल 3 पोस्ट है, तो अच्छा मौका है, जरूर अप्लाई कीजिएगा, सिलेक्शन होने के चांस काफी ज्यादा है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के लिए, जिसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ 10th पास चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, 50% मार्क्स है तो अप्लाई कर दीजिएगा। 24 मंथ 12 मंथ 24 मंथ यानी 2 साल यहाँ पे आप लोगों को ट्रेनिंग करवाया जाएगा, 4 पोस्ट रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस किस में यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है। तो आगे है आपका हॉर्टिकल्चर में, जिसमें आपका 10th पास मांगा गया है, इसमें भी आपका 24 मंथ का ट्रेनिंग होगा, 6 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक केमिकल प्लांट में, जिसमें आपका 12 मंथ का चाहिए, इसमें BSc पास चाहिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, 3 पोस्ट रखा गया है। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में आपका 12 मंथ का ट्रेनिंग होगा, 13 सीट रखा गया, इसमें भी आपका BSc चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ओनली, ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करते हैं मशीनिस्ट के लिए, यहाँ पे वैकेंसी रखा गया, जिसमें आप लोग का 10th पास चाहिए, 24 मंथ आपका ट्रेनिंग होगा, 6 पोस्ट रखा गया, देख सकते हो 10th पास वालों के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप आया हुआ है। आगे बात करें तो देखिए मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल प्लांट में, फिर से आपका 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, 24 मंथ आपका ट्रेनिंग होगा, 25 साल एज लिमिट, 10 पोस्ट रखा गया है। वेल्डर के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें 8 पास, यदि 8वीं पास है फिर भी है, इसको आप अप्लाई कर सकते हो, 15 मंथ आपका ट्रेनिंग होगा, 1 सिर्फ पोस्ट रखा गया है। आगे बात करें हाउस कीपर हॉस्पिटल के लिए, 10th पास यहाँ पे रखा गया। दोस्तों, ये वैकेंसी ना कई बार आप लोग आर्मी वगैरह में भी निकलता है, यदि आप यहाँ से ट्रेनिंग कर लेते हो तो मौका बनता है, 18 मंथ का ट्रेनिंग होगा, 1 ही पोस्ट रखा गया है। आगे बात अगला है जो आपका मेडिकल लैब टेक्नीशियन, जिसमें आपका 12th पास चाहिए, इसमें 12th पास चाहिए, जिसमें आपका 12-15 मंथ का ट्रेनिंग होगा, 1 पोस्ट रखा गया, तो देख सकते हो दोस्तों 10th पास वालों के लिए कितना अच्छा खासा यहाँ पे वैकेंसी रखा गया। डिप्लोमा वालों के लिए टोटल 110 पोस्ट रखा गया, तो अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। आइए और जानते हैं नीचे में यहाँ पे क्या कुछ देखे रखा है। और देखिए, और एक यहाँ पे रह गया दोस्तों मेडिकल लेबोरेटरी का, जिसमें आपका 12th पास चाहिए, इसमें 3 पोस्ट, 15 मंथ का ट्रेनिंग, टोटल 136 पोस्ट टोटल रखा गया है। बाकी 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन आपको फाइनल सिलेक्शन में मिलेगा STSA एंड PWD वालों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कितना सीट किसके लिए रिजर्व करके रखा गया, तो SC के लिए 60, ST के लिए 30, OBC नॉन क्रीमी लेयर के 106,
6 और EWS के लिए 40, UR के लिए 160, टोटल 396 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा बाकी रिलैक्सेशन आपको किस तरह का मिलेगा। ठीक है, तो पूरा डिटेल यहाँ पे देख रखा। ठीक है, जो भी एज रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट रूल के अनुसार आप लोग को यहाँ पे दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे पेमेंट के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि सर इसमें यदि हम लोग जाते हैं तो स्टाइपेंड कितना मिलेगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पे जो कि आपका स्कूल पास है, जो कि 5th और 9th, जिसको 5,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, देख लीजिएगा। और जो 10th पास वाले हैं उसको 6,000 पर मंथ मिलेगा, और जो 12th पास वाले अप्लाई करेंगे उसको 7,000 पर मंथ मिलेगा। टेक्नीशियन जो वोकेशनल अप्रेंटिस जो करने जाएंगे उसको 7,000 पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। और उसके बाद करें तो जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस करने जाएंगे डिप्लोमा होल्डर वाले के लिए, वहाँ उनको 8,000 पर मंथ दिया जाएगा। और जो कि ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप निकला हुआ डिग्री के लिए, उनको 9,000 पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। ये रहा दोस्तों इसका स्टाइपेंड का स्ट्रक्चर, देख लीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पोस्टिंग और ट्रेनिंग दे के रखा कि पोस्टिंग और ट्रेनिंग कहाँ होगा, तो आपका देख लीजिएगा मुंबई में आपका होने वाला है। ठीक है, मुंबई में आपका सारा ट्रेनिंग वगैरह होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यदि आप डिप्लोमा से अप्लाई कर रहे हो तो डिप्लोमा जितना भी आपका परसेंटेज है उस हिसाब से यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। 10th यदि आप लोग 10th वाले अप्लाई कर रहे हो तो आपका 10th में जितना परसेंट है उस हिसाब से यहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो जाने के बाद दोस्तों आप लोग का 7 डे के पीरियड में दोस्तों आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन का। तो देख लीजिएगा सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल में जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर दोस्तों जितना भी टेक्नीशियन अप्रेंटिस इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं वो एनएटीएस के पोर्टल में जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एनसीएफएलटी का ऑफिशियल साइट में जाना होगा, उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट में जाके एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस 2022 में क्लिक करके दोस्तों आपको पूरा डिटेल आपको फॉर्म को फिल कर लेना है। देखिए लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आपको 14/8/2022 तक ही इसका होने वाला है, उससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। बात करें तो क्या क्या चाहिए आपको, लेटेस्ट फोटो चाहिए, कैंडिडेट पैन कार्ड चाहिए, कैंडिडेट आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, ये सब आपको लगेगा। बाकी आपको बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे देना होगा, प्रिंट आउट ये सब आप लोगों को देना होगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख रखा पूरा पढ़ लीजिएगा। इसका इसका पीडीएफ वो कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि इंटरेस्टेड हो तो जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। यदि 10th पास हो, यदि आपको अप्रेंटिसशिप करना है तो अप्लाई कर सकते हो, डिप्लोमा होल्डर हो, फ्रेशर हो, यदि एक्सपीरियंस चाहिए तो अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे वैकेंसी निकलती है तो आप लोगों को यहाँ पे मौका मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को जो भी था मैंने A to Z बताया, वीडियो अच्छा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आगे भी इसी तरह का जॉब अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।